हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो देखिए फ्रेंड्स एक ही लेडीज़ के आप लेकर आई हूँ आपके लिए गर्ल्स और लेडीज़ कोई भी लगा सकता है इसको छोटी लड़कियाँ लड़कियों के लिए भी बना सकते हैं जिनके लंबे बाल हैं जो पौनी बनाते हैं चोटी बनाते हैं वो उनके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर देखिए कि मैंने होल दिया हुआ है यहाँ पर चोटी निकालने के लिए तो इस तरह की कैप आप जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं लड़कों के लिए भी बना सकते हैं ये जो पैटर्न है बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है और ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि मैंने इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से देखिए इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से ये मार्केट में देखिए ये सेम डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आप ये देख सकते हैं देखिए और ये जो आप बैक साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये जो होल दिया हुआ है आप इसको अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कम या ज़्यादा यहाँ तक देखिए मैंने इसमें स्टिचिंग कर दी है ठीक है और ये जो आप लास्ट दिख रहे हैं ये इलास्टिक है ठीक है ये देखिए ये इलास्टिक है तो आप इसमें चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं अदरवाइज ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं देखिए सेम बिल्कुल इसी तरह से मैंने बनाया है अब इसमें देखिएगा एक चीज कि यहाँ तो ये लोग मोटी वूल यूज करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने तीन पैटर्न दिया है देखिए वन टू थ्री वन टू थ्री अब यहाँ देखिए हमारी वुल थोड़ी सी इनके वुल से पतली है और ये मशीन नेट है ये हैंड नेट है तो यहाँ पे मैंने चार पैटर्न दिया है इसकी लेंथ के लिए देखिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ठीक है तो आप ही सेम ऐसे ही बनाइएगा आगे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है देखिए बहुत ही पॉपुलर कैप है बहुत ही अच्छी चल रही है आजकल और बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी किसी तरह की एक कैप बनाए तो इसलिए मैं ये कैप लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए देखिए इस तरह से इन्होंने ये पोनी टेल निकाली हुई है तो इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसमें वूल जो है बहुत कम लगा है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वूल अलग है क्योंकि मेरा वूल थोड़ा सा कम पड़ गया था यहाँ पे ये वाला फिफ्टी ग्राम का गोला था समथिंग दस ग्राम के आसपास पाँच ग्राम के आसपास कम पड़ गया था देख सकते हैं आप चार या ये थोड़ी सी सलाइयाँ मैंने इसमें बनाई हैं बस तो इसमें ज़्यादा वूल नहीं लगेगी सेवेंटी एट्टी ग्राम के आसपास वूल लगेगी मैक्सिमम अस्सी ग्राम तो आप इसे और मीडियम साइज़ ये मैंने बनाया है और नौ नंबर की मैंने इसमें सलाइयाँ यूज की हैं थोड़ी सी वूल जो है ठीक है फाइव प्लाई वूल है और फोर प्लाई अगर आप वूल यूज कर रहे हैं तो इसमें आप छः या आठ फंदे एक्स्ट्रा डाल लें ठीक है तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं कि किस तरह से बनाना है यहाँ पे इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये वाला वूल लिया है ये वूल थोड़ा सा थिक है और फाइव प्लाई वूल है और नौ नंबर की मैं यहाँ पे सलाइयाँ यूज करने वाली हूँ ये देखिएगा नौ नंबर की मैं यहाँ पे सलाइयाँ यूज कर रही हूँ और 108 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं बॉर्डर मैंने बना के रख लिया है ठीक है ये बॉर्डर बनाना वन इंटू वन का बॉर्डर है ये बॉर्डर बनाना मैंने मेरे चैनल पे बताया हुआ है कि ये किस तरह से बनाना है यहाँ पर देखिए एक सीधा और एक उल्टा फंदा लिया जाता है सिंपल फंदे डाले हैं मैंने सिंपल फंदे डालने का जो वीडियो है वो अभी मैंने कुछ समय पहले बनाया था करीबन वन वीक पहले डाला था अपने चैनल पे अगर आपको वो देखना है तो इसमें जो जो चीज़ जो जो आ, यूज किया है जो कुछ भी वो सारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी या फिर वीडियो के एंड में आपको फंदे डालने का और वन इंटू वन बॉर्डर का लिंक मिल जाएगा ठीक है तो देखिए एक सिलाई फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाई है देखिए पहला फंदा यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है तो इसको मैं सीधा स्लिप कर लूँगी धागा अपनी तरफ लूँगी और देखिए इस तरह से एक फंदा मैं उल्टा बनाऊँगी धागा पीछे ले जाऊँगी एक फंदा ये सीधा बनाऊँगी धागा अपनी तरफ लाऊँगी एक फंदा मैं उल्टा बनाऊँगी धागा पीछे जाएगा एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा इसी तरह से हम दोनों तरफ से बनाएंगे ठीक है देखिए लास्ट में आ गए हैं धागा अपनी तरफ धागा पीछे जाएगा एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ठीक है ये मैंने बॉर्डर बना लिया है अब मैं आपको बता देती हूँ कि बॉर्डर मैंने ये कितना बनाया है देखिए मैं आपको सलाइयों से नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर आपकी ऊन पतली होती है तो हो सकता है आपको ज़्यादा सलाइयाँ बनानी पड़ें मैं आपको इंची टेप से मेजर करके बता देती हूँ देखिए मैंने यहाँ पे दो इंच के करीबन बॉर्डर बनाया है ठीक है और मेरी ऊन मोटी है अगर आप सेम साइज़ में बनाना चाहते हैं तो अगर आपकी पतली वूल है फोर प्लाई वूल है ज़्यादा पतली वूल है तो आप उसको ट्रिपल करके बना सकते हैं धागों को इस तरह से तीन बार लपेट के ठीक है और अगर आपकी फोर प्लाई वूल है तो आप उसे डबल करके धागा बना सकते हैं मैं यहाँ पर फाइव प्लाई वूल से बना रही हूँ सिंगल धागे से बना रही हूँ देखिए अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे अब ये डिज़ाइन हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा ठीक है उल्टी साइड से देखिए दस फंदे तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर के बना लूँगी देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा काउंट कर लेते हैं दो चार छः आठ और एक नौ धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दस दो चार छः आठ दस अब बाकी के जो फंदे हैं लास्ट के दस फंदे छोड़ के लास्ट के दस फंदे छोड़ के बीच के जो फंदे हैं वो मैं सभी फंदों को सीधा बना लूंगी देखिए वन टू थ्री सभी फंदों को मैं सीधा बना लूंगी धागा अपनी तरफ और ये देखिए एट्टी एट फंदे सॉरी इसको मैं सीधा ही बुनूंगी ये देखिए एट्टी एट फंदे मैंने सीधे बुन लिए अब ये दस फंदे एक उल्टा एक सीधा बुन लेंगे देखिए दो चार छ आठ दस देखिए सीधा उल्टा सीधा ये देखिए लास्ट के दस पंदे मैंने एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करके बुन लिया अब देखिए सीधी साइड आ जाएंगे फ्रंट साइड फ्रंट साइड पे ये जो दस पंदे हैं वो हम सेम बुनेंगे एक पंदा सीधा एक फंदा उल्टा ये देखिए एक पंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ये देखिए दस फंदे हमने वन इन टू वन के बॉर्डर में बुन लिए अब बाकी के एटी एट फंदे हम फिर से सीधे बुन लेंगे ये देखिए अब देखिए ये एटी एट फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे ये दस फंदे एक सीधा और एक उल्टा बुनना है लास्ट के दस फंदे एक सीधा और एक उल्टा देखिए लास्ट में एक पंदा उल्टा अब इसकी बैक साइड आ जाएंगे बैक साइड में फिर से वही दस फंदे एक सीधा एक उल्टा बुनना है ये देखिए दस फंदे एक सीधा उल्टा बुनने के बाद एटी एट फंदे अब हमें उल्टे बुनने हैं इस तरह से अब देखिए यहां पे ये मैंने एटी एट फंदे उल्टे बुल लिए अब दस फंदे में एक सीधा एक उल्टा का बुल लूंगी देखिए अब देखिए बैक साइड आ जाएंगे एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे के दस फंदे मैं इस तरह से बुन लूंगी देखिए दस फंदे एक उल्टा एक सीधे का बुनने के बाद यहाँ पर बाकी के फंदे 88 एट मैं सीधे बुन लूंगी अब देखिए एटी एट फंदे सीधे बुनने के बाद ये दस फंदे एक सीधा एक उल्टे के बुनने में है वन इंटू वन की रिप बुननी है अब देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा अब यहाँ पे सीधी साइड से आ जाएंगे देखिए दस फंदे एक उल्टा एक सीधे के बुनने हैं एक फंदा उतार के एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा देखिए दस फंदे एक उल्टा एक सीधा को बुनने के बाद अब बाकी के 88 एट फंदे हमें उल्टे बुनने हैं चार सिलाइयों का ये डिज़ाइन है फ्रंट साइड से हमें उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड से हमें सीधा देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर ये चार धारियाँ चार धारियों का डिज़ाइन है ये चार धारियाँ आ जाएंगी आपने उतना बुनना है ये देखिए अब देखिए एटी एट फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हम एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे दस फंदे एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे लास्ट में आ गई हूँ मैं अब देखिए रॉन्ग साइड से आ जाएंगे दस फंदे एक उल्टा एक सीधा का बुन के ये देखिए दस फंदे एक सीधा उल्टा बुनने के बाद यहाँ पे देखिए बैक साइड से हमारी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई वन वन टू सॉरी देखिए वन टू थ्री फोर देखिएगा वन टू थ्री फोर अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे चार सिलाइयों का दस फंदे एक उल्टा एक सीधा बुनने के बाद अब हम यहाँ पर पूरे बाकी के एटी एट फंदे भी एक सीधा एक उल्टा ही बुनेंगे देखिए फंदा उल्टा है फिर देखिए एक सीधा एक उल्टा बाकी के सभी फंदों को हम इसी तरह से बनाएंगे देखिए अब देखिए एटी एट फंदों में एक सीधे एक उल्टे बना के कम्प्लीट किया अब बॉर्डर का ये दस फंदे भी मैं एक सीधे और एक उल्टे बना के कम्प्लीट कर लूंगी देखिए अब बॉर्डर के फ्रंट साइड से एक फंदा उतार के दस फंदे की ये पट्टी बॉर्डर बना के एक उल्टा एक सीधे का तो देखिए दस फंदे का ये बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने जो एक सीधा एक उल्टा बनाया था उसमें से देखिए जो सीधा फंदा है एट्टी फंदों में इसकी यहाँ से ना डाल के अब हम इसके नीचे से डालेंगे ये देखिए यहाँ से इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बनाएंगे ये देखिए इस तरह से यहाँ से देखिएगा होल होल सीधा फंदा बुनेंगे ये देखिए यहां से इस तरह से इन एटी एट फंदों को बुनना है देखिए एटी एट फंदे मैंने बुन लिए अब ये दस फंदे मैं पट्टी के एक सीधा और एक उल्टा बना के कंप्लीट कर लूंगी देखिए रॉन्ग साइड आ जाएंगे दस फंदे पट्टी के एक फंदा स्लिप करके एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा इस तरह से मैं दस फंदे बना लूँगी देखिए दस फंदे पट्टी के बनाने के बाद दो चार छः आठ दस धागा पीछे ले जाऊँगी फिर से मैं यहाँ पे ये नीचे वाले होल से इसको निकालूँगी सीधे फंदे के फिर एक फंदा उल्टा बनाऊँगी फिर धागा पीछे फिर देखिए जो सीधा फंदा है इसके नीचे वाले होल से सीधा फंदा बुनूंगी फिर धा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर देखिए इसके सीधे इसी तरह से मैं पूरे एट्टी एट फंदे बना लूँगी अब देखिए इसी को रिपीट करते हुए मैंने यहाँ पे ये एटी एट फंदे बना लिए हैं अब मैं यहाँ बॉर्डर के दस फंदे एक सीधा और एक उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी ये देखिए अब फ्रंट साइड से एक फंदा उतार के दस फंदे पट्टी के फिर से बना लेंगे मैं बॉर्डर के बना लूँगी इस तरह से एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक पट्टी के दस फंदे बनाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं वही करूँगी ये यह देखिए यहाँ सीधे फंदे के नीचे नीचे वाले होल से सीधा फंदा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब ये जो होल है सीधे के नीचे इसमें से एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे देखिए यहाँ पे इस होल के नीचे से फंदा सीधा इसी को रिपीट करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करूँगी अब देखिए यहाँ पे मैं एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए यहाँ तक आ गई हूँ लास्ट में अब बॉर्डर के दस फंदे में एक सीधा और एक उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी बॉर्डर को देखिए अब हम बैक साइड से आ जाएंगे अब देखिए यहाँ पे हमारी चार सलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं इस वाले डिज़ाइन की चार सलाइयाँ हमें इस डिजाइन फ्रंट साइड ये हमारा है चार सलाइयाँ इस डिज़ाइन की बनानी है चार इसकी तो हम बैक साइड से ये पट्टी के दस फंदे जो हैं बॉर्डर के एक उल्टा एक सीधा वाले इसी तरह से बना के कम्प्लीट कर लेंगे अब देखिए दस फंदे पट्टी के बॉर्डर के कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो हम एक सीधा एक उल्टा बना रहे थे नीचे से इस तरह से सीधा फंदा निकाल रहे थे नीचे वाले होल में से अब वो ना बना के अब हम यहाँ पे ये वाला रिब वाला डिजाइन बनाएंगे ये वाला ठीक है तो रॉन्ग साइड से हम इसको पूरी एटी एट फंदों को हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से एटी एट फंदों को हम सीधा बना के कर करेंगे अब देखिए बॉर्डर के दस फंदे कंप्लीट करने के बाद फिर से हम वही ये वाली रिप बनाएंगे देखिए दो चार छः आठ दस यहाँ पे सीधे फंदे को नीचे वाले होल से निकालेंगे और एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके सीधे फंदे को नीचे वाले होल से निकालेंगे एक फंदा उल्टा इसी तरह से एटी एट फंदे को कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए बॉर्डर के फंदे एटी एट फंदे एक सीधा एक उल्टा बनने के बाद बॉर्डर के दस फंदे एक सीधा एक उल्टा हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे देखिए लास्ट में आ गए एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब देखिए अब हम फ्रंट साइड आ गए हैं एक बार फिर से हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने अभी बनाया था सेम रो तो दस फंदे बॉर्डर के इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा का बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए बॉर्डर के दस फंदे कंप्लीट करने के बाद फिर से हम एक फंदा यहाँ पे देखिए नीचे वाले होल से निकालेंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा बैक साइड एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे अभी देखिए एट्टी एट फंदे एक सीधा एक उल्टा बुनने के बाद अब हम बॉर्डर के दस फंदे भी इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा करके कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में आ गए अब देखिए अब हम रॉन्ग साइड से आ जाएंगे पट्टी के दस फंदे, जो बॉर्डर के दस फंदे हैं उसे हम एक उल्टा एक सीधा बना लेंगे अब देखिए बॉर्डर के दस फंदे बनाने के बाद एक उल्टा एक सीधा अब हम यहाँ पे ये यह जो फिशरमैन स्टिच बना रहे थे अब वो ना बना के अब हम पूरे एटी एट फंदों को सीधा बना लेंगे ये देखिए जो हम एक उल्टा एक सीधा बना रहे थे उन्हें अब पूरा सीधा बना लेंगे यहाँ पे देखिए हमारे चार जो है रो कंप्लीट हो गए वन टू थ्री और ये फोर पूरे एटी एट फंदों को हम सीधा बना लेंगे अब देखिए एटी एट फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे धागा पीछे करके दस फंदे सीधे और उल्टे के कम्प्लीट कर, कर लेंगे ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं अब देखिए अभी हम फ्रंट साइड से आ गए और ये बुनाई देखने में देखिए इस तरह से लग रही है देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन अब हमें फिर से ये वाला बुनाई जो हमने ये वाली बनाई बन, बनाई है वो हमें यहाँ पे बननी है ये जो चार लाइन है वन टू थ्री फोर चार लाइन हमें यहाँ पे फिर से बनाने हैं लेकिन उससे पहले देखिए क्या करना है यहाँ पे हमें इस तरह से छह फंदे एक फंदा स्लिप करके ये देखिए छह फंदे बंद करने हैं यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच ठीक है ये पट्टी के छः फंदे हमने बंद कर दिए अब बाकी के जो एक उल्टे सीधे फंदे जो हम बना रहे थे पट्टी वाले उन्हें हम सीधा सीधा बना के कम्प्लीट करेंगे ये देखिए छः बंद कर दिए और हमने चार फंदे सीधे बना लिए इसके बाद हम आ, इसके बाद के जो फंदे हैं ये वाले इन्हें हम 88 फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे सीधी साइड से हैं तो हम यहाँ पे इन फंदों को उल्टा बनाएंगे देखिए बॉर्डर के 10 फंदे बुनने के बाद अब हम पट्टी के 10 फंदे सीधे और उल्टे बुनेंगे अब देखिए पट्टी के 10 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं इस तरह से अब यहाँ पे मैंने यहाँ छह फंदे इस तरफ से घटाए थे ये जो अब इस तरफ से मैं छह फंदे फिर से घटाऊंगी यहाँ पट्टी के छह फंदे देखिए इस तरह से घटाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से हम पट्टी के छह फंदे घटा देंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बाकी के चार फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे चार फंदे उल्टे बनाने के बाद एटी एट फंदे हम इस तरफ से रॉन्ग साइड से सीधे बना लेंगे ये देखिए एट्टी एट फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये चार फंदे हैं उन्हें मैं धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना लूँगी अब हम यहाँ पर पट्टी के फंदे नहीं बुनेंगे पट्टी के फंदे दोनों तरफ से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बुनेंगे चार चार फंदे ये चार फंदे इस फ्रंट साइड से सीधे बुनते हुए ये देखिए इस तरह से चार फंदे बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये तीन धारियां मैंने एक दो तीन बना ली हैं उल्टे की अब मैं एक बार और बनाऊंगी इसको उल्टा देखिए इस तरह से अब ये देखिए यहाँ से ये उल्टा मैंने बनाते हुए आ रही हूँ और मेरे यहाँ पे वन टू यहाँ पे देखिए पास से दिखाती हूँ आपको वन टू थ्री फोर अब जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो 88 फंदे एक उल्टा एक सीधा का बनाएंगे देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने फंदे छः घटा दिए हैं और चार फंदे की हम ये लम्बी पट्टी बुनते हुए जाएंगे तो यहाँ देखिए फ्रंट साइड से ये वन टू थ्री फोर चार सिलाइयाँ हम इस वाले डिज़ाइन की और चार सिलाइयाँ इस वाले डिज़ाइन की बनाते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हैं आपको कि मैंने ये कितना बनाया है तो अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बैक साइड से आ गए हैं और मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है देखिए मैंने चार डिज़ाइन ये वाला बना लिया फ्रंट साइड से देखेंगे वो देखिए वन टू थ्री फोर ठीक है और चार डिज़ाइन ये वाला बना लिया वन टू थ्री फोर अब हम यहाँ से पैटर्न चेंज करेंगे देखिए इस तरफ उल्टी साइड से हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे अब देखिए हमने स्टार्टिंग कुछ फंदे उल्टे लिए थे चार इसके बाद पहले हम डिज़ाइन चेंज कर रहे थे यहाँ सीधा सीधा बना रहे थे अब हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे यहाँ से ही देखिए इस तरह से पूरी सलाई सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे उल्टी साइड से और सीधी साइड से सीधा सीधा बनाएंगे देखिए इस तरह से अब देखिएगा इसे बनाते हुए लास्ट में आ गए ये लास्ट में जो हम उल्टे फंदे ले रहे थे इन्हें अभी अब हम उल्टा ही ले, ले लेंगे अब देखिए फ्रंट साइड पे आ गए अब हम फ्रंट साइड पे सभी फंदों को हम सीधा बना के कंप्लीट करेंगे एक फंदा स्लिप करके सभी तो फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे और इसी तरह से करीबन में आठ या दस सिलाइयाँ और बना लूँगी फ्रंट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बना के कम्प्लीट कर लूँगी अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये इतना बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है इंची टेप से इसको आपको मेजर करके बता देती हूँ क्योंकि हर किसी की ऊन जो है एक जैसी नहीं होती है किसी की मोटी होती है तो किसी की पतली अब देखिए इसको मैं इंची डेफ से मेजर करके बता देती हूँ थोड़ा सा इसकी लेंथ तो जो है मैंने देखी ये आठ इंच बिना खींचे रखी हुई है आठ इंच ठीक है और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा चार सिलाइयों में, में मेरा कलर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे मैं ये जो यू वूल यूज कर रही थी ये थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो मैंने यहाँ पे ये वाला वूल लगा लिया है ठीक है थोड़ा सा मिलता जुलता ही है बस तो अब देखिए यहाँ पे इसकी हम क्लोजिंग करेंगे इतना बनाने के बाद सादा सादा जो सिलाइयाँ हैं वो मैंने यहाँ पे बनाई है मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन देखिए सोलह सलाइयाँ मैंने इस तरफ से सीधी और इस तरफ से उल्टी बनाई है ठीक है तो अब इसको हम क्लोजिंग करेंगे एक फंदा देखिए स्लिप करेंगे और दो फंदों को एक करेंगे दो का एक करेंगे देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे हर फंदे को दो का एक करेंगे यहां पे हम देखिए दो का एक दो का एक दो का एक दो का एक देखिए इसी तरह से दो का एक दो का एक करते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ और लास्ट का फंदा मैं इसी तरह से सीधा बोल लूँगी ये देखिए अब बैक साइड आ जाएंगे बैक साइड से सभी फंदों को मैं उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी पहला फंदा मैं स्लिप कर दूँगी दूसरा फंदा उल्टा बना के बाकी सभी फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। बैक साइड पे, यानी कि रोंग साइड पे हमें कोई फंदा नहीं घटाना है देखिए रोंग साइड पे, उल्टा उल्टा बनाते हुए मैंने इस पीरो को कंप्लीट कर लिया है फ्रंट साइड पे आ गए अब हम फ्रंट साइड पे हम फिर से हम वही करेंगे जो हमने बैक लास्ट रो में किया था हर एक एक फंदा स्लिप करके दो फंदों को एक करेंगे देखिए इस तरह से स्लिप कर लेंगे फिर से ये फंदा उठा के दो का एक इसको थोड़ा सा उठाएंगे दो का एक दो का एक इसी तरह से करते हुए जाएंगे अब देखिए इसी तरह से लास्ट में हमारे पास ये दो फंदे बचे हैं दो का एक करते हुए इन दोनों को भी मैं दो का एक कर दूंगी उल्टी साइड से पूरी रो में उल्टी बना के कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि अब हमारे पास फंदे काफ़ी कम रह गए हैं फर्स्ट फंदा मैं स्लिप कर लूँगी एंड सभी फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूंगी अब देखिए उल्टी साइड में सल कंप्लीट करके फ्रंट साइड पे आ गई अब यहाँ पे हम क्लोजिंग कर देंगे थोड़ा सा आ, इतना धागा काट लूंगी मैं यहाँ पे और इसको मैं निडिल में डाल दूंगी देखिए इस तरह से निडिल यूज करनी है आपने अब देखिए यहाँ से इस तरह से आप यहाँ से इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर आप इसको धागे को देखिए इस तरह से सलाई पे लेंगे और इस तरह से इन फंदों सलाई इसके ऊपर से सभी को गिरा देंगे देखिए इस तरह से एक एक करके सभी फंदों को इसके ऊपर से गिरा दीजिए एक फंदे को देखिए सभी फंदों को गिराने के बाद इस फंदे को हम इसमें ले लेंगे इस तरह से फिर एक बार मैं यहाँ पे जितने भी फंदे मैंने गिराए हैं एक बार यहाँ से सब फंदों में से इस तरह से राउंड ले लूँगी देखिए ये हो गया अब अब देखिए इसको अब है स्टिच करना है अब सिलना कैसे है कि ये जो पार्ट है हमारा ओपन रहेगा देखिएगा ये पार्ट आपने ये यहाँ से यहाँ तक सिलना है देखिए या जहाँ आपने क्लोजिंग की है यहाँ से लेके आपने यहाँ से इतना चाहे सिल लीजिए उसके बाद ये पार्ट आप खुला रखेंगे और इसको यहाँ से सिल लीजिए ठीक है देखिए दिखाती हूँ मैं आपको इसको हम यहाँ पे पक्का कर देंगे पहले देखिए इस तरह से आपने सिल लेना है इसको देखिए इतना अब हम ओपन छोड़ देंगे ये देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पे ये सिल लिया ये देखिए अब ये एरिया हम खुला छोड़ देंगे चोटी चोटी जहाँ से हम अपनी पॉनिटेल निकालेंगे ये वाला एरिया अब ये वाला एरिया हमें सिलना है ये जो हमने पट्टी बनाई है ये, ये हमें स्टिच करनी है यहाँ से यहाँ तक इसमें ये जो धागा पड़ा हुआ है मैं यही वाला इसमें डाल देती हूँ तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है ये देखिए इस तरह से ये वाला कैप आप इसको ना अपने अकॉर्डिंग छोड़ें होल ये जो है अगर आपको इसमें से आपके बाल ज़्यादा मोटे हैं ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा यहाँ तक से ऊपर तक ठीक है अपने हिसाब से इसको छोड़ दें मेरे बाल हल्के हैं तो फिर मैंने इसको बस थोड़ा सा ही छोड़ा है अब आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस में इलास्टिक लगा सकते हैं जैसे मार्केट की कैप में है ये देखिए अब इस तरह से हमारी ये कैप बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बनके तैयार हो गई है बहुत ही खूबसूरत कैप बनी है मीडियम साइज कैप है देखिए बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है तो ये कैप मैंने लड़कियों के लिए बनाई है गर्ल्स के लिए जिनके बाल लंबे होते हैं जिनको चोटी बनाते हैं जो लोग प्रॉब्लम होती है कैप कैप पहनने में नॉर्मल उनके लिए बनाइए अगर आप इसको नॉर्मल जेंट्स कैप में बनाना चाहते हैं लड़कों के लिए तो आप ये जो मैंने पट्टी बनाई है ये ना बनाते हुए यहाँ से ये जो मैंने डिज़ाइन डाला इसको सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ तक चले जाएँ ठीक है तो ये बस इसमें इतने में ही लड़कों के लिए भी कम्प्लीट हो जाएगी ये मीडियम साइज कैप है देखिए बहुत प्यारी लग रही है देख सकते हैं आप बिल्कुल रेडीमेड लुक आया है इसमें तो एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं इसको वियर करके भी आपको दिखा दूँगी और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा देखिए शेयर कीजिएगा सभी के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैब कैसी लगी और भी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा तो वो भी मैं आपके लिए ज़रूर बना के दूँगी तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू